हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, आर्ट फैक्ट्री पीडी पर आपको हमेशा मिलेंगे नई तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट, नई तरह की पेंटिंग्स और नई तरह की बातें। सो फ्रेंड्स, आज जो आर्ट पीस है वो है पर्शियन आर्ट का, रिलीफ आर्ट का। कुछ लोग रिलीफ आर्ट बोलते हैं, कुछ लोग पर्शियन आर्ट बोलते हैं। सो रिलीफ आर्ट का मतलब होता है अपनी सरफेस से थोड़ा सा उभार लिए हुए, उठा हुआ। बिल्कुल सरफेस पे ये पेंटिंग नहीं की जाती, इसको मार्बल पाउडर और फेविकोल के मिक्सचर से थोड़ा सा उभार हम देते हैं और उसके बाद उसको कलर करके पेंटिंग का रूप देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे जो ट्रेसिंग है, वो ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से अपने बोर्ड पर उसको अच्छे से ट्रेस कर लेंगे। और जो बोर्ड रेडी करने की वीडियो है ना फ्रेंड्स, वो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, सो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। सो आपको उससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी और बहुत अच्छे से आप अपना बोर्ड तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, मैंने बहुत सारे इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं जिसकी वजह से आपका रिलीफ आर्ट, आपका पर्शियन आर्ट कभी भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ईजीली आप उसे बना पाएंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और ये आर्ट ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अब हमारा डिज़ाइन ट्रेस कर रहे हैं येलो कार्बन की हेल्प से। आप चाहें तो कोई भी कलर का कार्बन पेपर ले सकते हैं। ये देखिए, हमारा जो ट्रेसिंग है वो आ गई है हमारे बोर्ड पर और अब बारी है इस पर कोन वर्क करने की। सो ये कोन्स रेडी करने के लिए भी वीडियो ऑलरेडी मेरे जो चैनल पर है वो आप जाकर देख सकते हैं किस तरह से आप कोन रेडी करेंगे लिपन आर्ट और रिलीफ आर्ट के लिए, वो एक वीडियो है। सो आप जाकर जरूर देखिएगा। और जो कोन वर्क है वो करने से पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोन बनाए तो जो आपका मार्बल पाउडर है ना, उसे मलमल के कपड़े से अच्छे से छान लीजिएगा। आप उसे जब अच्छे से छानेंगे ना, तो उसके जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, जो भी हार्ड पार्टिकल्स है, वो निकल जाएंगे और आपकी कोन बहुत स्मूथली वर्क करेगी, बिल्कुल भी कहीं से क्रैक नहीं होगी। और हाँ फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर याद रखिएगा कि कभी भी अपने कोन में लिक्विड को पतला करने के लिए पानी का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, हमेशा फेविकोल का यूज़ कीजिएगा। और जब आप फेविकोल से कोन बनाएंगे तो वो कोन आपकी स्मूथ भी चलेगी और कभी भी वो श्रिंक नहीं होगा आपका वर्क। जब भी आप करेंगे उसको तो आप समझेंगे ये डिफरेंस, जो पानी से हम कोन बनाते हैं ना, तो वो पानी एवोपरेट हो जाता है और वहाँ से हमारा जो कोन वर्क है वो ब्रेक हो जाता है। सो आप अपने जो वर्क की मोटाई वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसके लिए भी मैं आपको एक टिप देती हूँ, हमेशा ये ध्यान रखिएगा जब भी आप कोन वर्क करेंगे ना, सो आप कोन चलाकर देखेंगे तो अगर वो दूसरे एज पर ईजीली सेट हो जाती है तो इसका मतलब है आपकी कोन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो ब्रेक होती है या आपकी कोन के साथ साथ उठती है तो इसका मतलब वो थोड़ी पतली है, उसको आप थोड़ा सा और काट लीजिए और थोड़ा सा मोटा कर लीजिए। सो उससे आपका जो कोन वर्क है ना बहुत फाइन होगा। आप मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखकर जब वर्क करेंगे ना, तो फ्रेंड्स आप समझेंगे कि कोन जो ये वर्क है, पर्शियन आर्ट है, रिलीफ आर्ट है, वो कितना ईजी है और कितना अच्छा है ना। आप इससे आपका हाथ दर्द होगा इस तरह से कोन वर्क करने से, और ना ही आपका शोल्डर पेन होगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक टिप और मैं आपको देना चाहूँगी कि जब भी आप कोन वर्क करें तो अपने सामने कोई अपने घुटनों के लेवल तक का टेबल लीजिए और आप किसी चौकी पर बैठकर फिर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए वीडियो को अंत तक और सीखिए रिलीफ आर्ट हमारे चैनल आर्ट फैक्ट्री के साथ। मैं हूँ आपके साथ प्रीति डिडोरिया, के साथ आपके आर्ट वर्क कर रही हैं। और हमेशा याद रखिएगा, किसी भी आर्ट को करने के लिए आपको उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आई मीन टू से, आप उससे जब तक प्यार नहीं करेंगे अपने आर्ट वर्क से, तो उसमें वो क्लियरिटी नहीं आएगी। सो अपने आर्ट वर्क से प्यार कीजिए, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल प्यार से आप उससे जुड़ के आप जब उस काम को करेंगे ना, तो देखिएगा कितना इजीली आपका वर्क हो जाता है और कितना सुंदर उसका रिजल्ट आता है।
तो फ्रेंड्स आप देखिए कौन वर्क, अभी मिलते हैं फिलिंग के टाइम पर। सो फ्रेंड्स देखिए ये कोन वर्क हो गया है, अब बारी है फिलिंग की, और फिलिंग के लिए पेस्ट मैं आपको बनाना बता रही हूँ। सो आप जब भी मार्बल पाउडर लेंगे और फेविकोल लेंगे ना, तो इसकी कोई भी ऐसी स्पेसिफिक रेशो नहीं है कि आपको 2 चम्मच फेविकोल 2 चम्मच मार्बल पाउडर लेना है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे मत कीजिएगा फ्रेंड्स। आप हमेशा और उसकी कंसिस्टेंसी सेट होने तक आप उसको ऐड कीजिएगा फेविकोल को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फेविकोल जो है वो कई बार गाढ़ा आ जाता है, कई बार पतला आ जाता है, सो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। सो हमें बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए फिलिंग के लिए जो नीचे गिरते ही सेट हो जाए, वापस से बिल्कुल मिक्स हो जाए, हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। और देखिए आप फिलिंग किस तरह से करेंगे, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में कीजिएगा, चाहे तो हॉरिजॉन्टल चाहे तो वर्टिकल, आप एक ही डायरेक्शन में करते जाएंगे ना साथ साथ, तो आपका जो कोनवर्क है वो ऊंचा नीचा नहीं होगा, बिल्कुल एक सार होगा और बहुत ही ब्यूटीफुली आपको वो रिजल्ट देगा। सो देखिए बिल्कुल ध्यान से किस तरह से आपको फिलिंग करनी है। और फ्रेंड्स रिलीफ आर्ट में कभी भी आप ये देखिएगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एक लेवल ज़्यादा तक उभारती नहीं पड़ती है, आई मीन टू से जैसे मेरे जो बर्ड हैं उसमें मैंने 2 लेवल तक तो पूरे बर्ड में एक सार फिलिंग की है, एक बार की है उसके बाद और की है, और जो इसकी विंग्स दिख रहे हैं उसमें मैंने 3री बार फिलिंग और की है, क्योंकि वो हमारे बर्ड से और भी थोड़ा सा ऊँचे हैं। सो फ्रेंड्स ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ ज़्यादा उभार देखना चाहते हैं और कहाँ कम, और वैसे भी जब भी आप इसकी पिक देखेंगे या कहीं पर भी आप इसकी अच्छे से पिक्चर देखेंगे ना रिलीफ आर्ट की, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कहाँ से ज़्यादा ऊंचा है कहाँ से ज़्यादा नीचा है। तो आप हमेशा जब भी ये वर्क करें तो बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के बिल्कुल एक सार वो काम करें, तभी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना मेरे जो पेस्ट की कंसिस्टेंसी कैसी है, वो किस तरह से सेट होता जा रहा है। अब जो हमारा फिलिंग का वर्क था वो सूख गया, अब हम इस पर एक लेयर आउटलाइनिंग की और देंगे। ये आउटलाइनिंग करने के बाद फ्रेंड्स हम फिर से एक लेयर और फिलिंग करेंगे, और उसके बाद फिर 3री लेयर मैंने आपको बताई है कि हम सिर्फ विंग्स में करेंगे। सो आप देखिए और हमारे साथ बने रहिए हमारी वीडियो में। सो फ्रेंड्स ये तो हुआ है हमारा कोन वर्क, और अब बारी आती है कलरिंग की। सो हम जब भी इसमें कलर करेंगे फ्रेंड्स तो हम हमेशा ऑयल कलर्स का यूज़ करेंगे, और ऑयल कलर्स के साथ आता है टर्पेंटाइन ऑयल और लिंसिड ऑयल। सो वो चीज़ें आप हमेशा अपने साथ रखिएगा और फिर कलर कीजिएगा। देखिए जो डबल कलर की शेडिंग की थी ना, वो मैंने कुछ इस तरह से की थी, एक बार हल्का सा हमने कलर लगा दिया उस पर बेस पर, उसको थोड़ी देर बाद साफ कर दिया, जिससे वो हल्का सा जो हमारा आर्ट वर्क है उस पर रह गया, और उसके बाद हमने जब दूसरा कलर किया तो उसकी शेड ही बहुत डिफरेंट सी और बहुत ही ब्यूटीफुल शेड हो गई। सो फ्रेंड्स देखिए किस तरह से हमें उस पर डबल डबल टोनिंग अगर देनी है ना, तो इस तरह से हम उसे देंगे। और जो एक मेन टिप है कि आपकी जो ये आउटलाइन है वो कैसे वाइट दिखेंगी, वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो ध्यान से बने रहिएगा मेरे साथ आर्ट फैक्ट्री पीडी पर रिलीफ आर्ट की वीडियो में। सो फ्रेंड्स जब भी हम रिलीफ आर्ट में कलर करते हैं ना, तो हमारी आउटलाइनिंग वो थोड़ी सी कलरफुल हो जाती है। सो आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आप ऑयल कलर लीजिएगा वाइट कलर का जो आता है हमारा उसमें ऑयल कलर की किट में, वो कलर लीजिएगा, स्पंज पर लगाइएगा और उसको हल्के हाथों से
जो आउटलाइंस हैं उस पर स्मज कर दीजिएगा। बिल्कुल भी आप उसको दबाव नहीं देंगे और बिल्कुल फ्लैट आपका कलर स्पॉन्ज पर आना चाहिए। उसके बाद उसको रब करेंगे हल्का सा बिल्कुल, और जो भी हमारी पेंटिंग पर कलर लगेगा उसको तो हम बाद में भी फिनिशिंग दे सकते हैं, बट हमारी आउटलाइनिंग वाइट जरूरी चमकनी चाहिए, तभी हमारे रिलीफ आर्ट की खूबसूरती हमें दिखती है। सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा मेन टिप रिलीफ आर्ट के लिए। सो आप ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा भी आपको कैसा लगा और क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। सो आप जब भी हमें बताएंगे तभी हमें पता चलेगा, तभी हम क्वालिटी को और भी सुधारेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ये रिलीफ आर्ट। मेरी जो सारा वर्क है इसमें कंप्लीट हो चुका है और मैंने वाटर पर ब्लैक कलर दिया है। सो आप देखिएगा फ्रेंड्स, रिलीफ आर्ट की खूबसूरती अपने आप में ही अनोखी है। जब हम और आप ये वर्क करते हैं ना, तभी हमें समझ में आता है कि क्या कुछ डिफरेंस है हमारी पेंटिंग्स में। हम हर बार हर तरह से अलग अलग तरह की पेंटिंग्स, अलग अलग तरह का आर्ट वर्क आप सभी के लिए लेकर आते हैं और बहुत ढूंढ ढूंढ कर हम आपके लिए लेकर आते हैं। आप हमें जो एप्रिसिएशन देते हैं, अपना प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा और हमारे जो YouTube फैमिली है उसको बड़ा करिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो वीडियो है उसको शेयर करना कभी भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और हाँ, आप लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्ट फैक्ट्री PD।